सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा पताका झंडा के मंदिर में असुर निवास करते हैं, इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए। सनातन धर्म में चार पीठों में से एक द्वारिका पीठ भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ पर 52 गज की ध्वजा दिन में 3 बार चढ़ाई जाती है। यह रक्षा ध्वज है जो मंदिर और नगर की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होती है जो रक्षा कवच का काम करती है। मंदिर के शिखर पर लगभग 84 फुट लंबी विभिन्न प्रकार की रंगवारी लहराती धर्म ध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण भक्त उनके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों को लगाया वे उनके ध्वज कहलाए और तभी से ध्वजा लगाने की परंपरा शुरू हुई। जिस देवता को जो वाहन है वहीं उसकी ध्वजा पर अंकित होता है। भगवती देवी दुर्गा देवी के ध्वजा का दंड सर्व धातु का वह ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर सिंह का चिन्ह अंकित होता है। आज रोयड़ा में प्राचीन अंबाजी मंदिर में लॉकडाउन के दौरान ध्वजा चढ़ाई गई। इस ध्वजा में न तो कोई ट्रस्टी थे न कोई मंदिर के व्यवस्थापक थे और स्थानीय पुजारी ने अकेले मंदिर पर परंपरागत ढंग से ध्वजा चढ़ाई और अंबे मात की जय के साथ आज जेठ सुद पांचम का उत्सव मनाया गया। व्यास कुमार की रिपोर्ट। मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने से मनुष्य को संपत्ति में वृद्धि होती है और ध्वजारोहण से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग परम गति को प्राप्त होता है। ध्वजारोहण के लिए पहले सुंदर ध्वजा का निर्माण किया जाता है, फिर शुभ मुहूर्त में जिस देवता को ध्वजा चढ़ानी है उसका पूजन कर अक्षत धूप दीप से पूजन किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाजन किया जाता है। मंगल वाद्य के साथ मंदिर में देवता की आरोहण किया जा सकता है। देवता के 108 आहुति का हवन किया जाता है। ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा देकर भोजन करवाया जाता है। इस हरे ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो आरिष्कनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पयः ओघदेघोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वदेहे प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णोरारातमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम मग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता जित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादा द्वे शिरेखे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृखभोरो रवेति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः।
चमयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भव। इस प्रकार से राजस्थान के सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में कोरोना महासंकट के दौरान आज मंदिर में पूरे लॉकडाउन का पालन करते हुए माँ भगवती अम्बाजी के प्राचीन मंदिर में ध्वजा धूमधाम से चढ़ाई गई। इस ध्वजा में इस बार कोई लोग नहीं थे और बिना लोगों के ही नियमित पूजा के रूप में ध्वजारोहण भी किया गया। रोहिड़ा से व्यास कुमार की रिपोर्ट।